तो बात फिर मामला से ताल्लुक रखती है। तो कुछ वजूहत में से एक सबसे अहम और पहली वजह है डिस्पेयर, जिसको हम कहते हैं नाउमीदी। कि एक इंसान जब दुनिया से नाउमीद हो जाता है, इसकी हालत से नाउमीद हो जाता है, इसकी मुसीबत परेशानियों से, फाइनेंशियल बर्डन से, कमी से, बीवी की ना बेवफाई से या शोहर की बेवफाई से, औलाद की नाफरमानी से, पड़ोसियों की तकलीफ़ से, लोगों के सताने से, लोगों के जुल्म से, बादशाहों के, सलातीन के, हुक्मरानों के तकलीफ़ों से इंसान नाउमीद हो, नाउमीदी की कई वजूहत हो सकती। नाउमीदी एक सबसे बड़ी वजह, याद रखिए, इंसानों की आज खुदकुशी करने की, डिस्पेयर जिसको कहते हैं, ऐसी सिचुएशन जिससे निकलने का हल नज़र नहीं आता। तो इंसान सोचता है एक ही हल निकलने का, वो क्या है? सुसाइड, खुदकुशी, और अपने नफ्स को, अपने आप को वो जो है कत्ल करता है। खुदकुशी का माना होता है कि अपनी मौत की इंसान खुद वजह बने, अपने आप को किसी जहर से, किसी हथियार से, किसी जगह से कूद कर, किसी चीज़ के नीचे दब कर, किसी चीज़ के नीचे आकर, या कोई चीज़ अपने ऊपर चलाकर इंसान अपने आप को मार ले, या मुसीबतों से तंग आकर, परेशानियों से तंग आकर, आजमाइशों से तंग आकर अपनी नफ्स को कत्ल कर देना, इसको आम जबान में कहूँगा खुदकुशी कहते हैं। जिसको हम कहेंगे जो है अपनी खुद मौत का वंश, एक खुद की मौत की को इंसान वजह बन जाए जानबूझकर, इसको खुदकुशी कहेंगे।